जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए आए उड़द की दाल की मसरंग, जिसे पहले 2-3 घंटे दाल भिगोई जाती है, उसके बाद दाल को साफ़ करके उसके बाद जो दाल हम पीसते हैं, इसमें हम जार है, इसमें हम दाल पीसेंगे। इसे एक तरीके की उड़द की दाल ही बड़ी भी कह सकते हैं, जो ताज़ी बनती है। और इधर हम इसका पेस्ट बनाएंगे, प्याज काट रखा है। और तो सबसे पहले जब दाल पीस लेते हैं हम, ये हमने दाल पीस ली। सबसे मेन काम होता है इसमें दाल को फेंटना, तो हम दाल फटाफट फेंट लेते हैं और उसे देखने के लिए पानी में डालते हैं। जब दाल ऊपर आ जाती है तो समझ लो दाल हमारी अच्छी तरीके से फिट गई है। और फिर इस तरीके से हमने दाल तैयार कर ली अपने, और इधर हमने अपना प्याज पीस लिया, इधर हल्दी, धनिया, मिर्च और गरम मसाला, हींग वगैरह सब निकाल लिया, जो मसाला हम डालते हैं गरम मसाला भी उसी में मिला लिया। और दाल हमने खूब अच्छी तरीके से फेंट रखी है और कढ़ाई में तेल डाल लिया। और इसमें इस तरीके से बड़ी तोड़ते हैं, इस तरीके से ये तोड़ने लगेंगे, छोटी छोटी पकौड़ी टाइप की, जरा जरा सी इस तरीके से हम तोड़ने लगेंगे। और इस तरीके से हम सारी जितनी भी दाल है सब तोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारी ये तोड़ ली है और एक थाली में घटी और थोड़ी सी हमने अलग रखी है, जो दही में डाल देंगे, दही बड़ा बन जाएगा उसका। तो ये उड़द ये इधर हमने मसाला तैयार कर लिया अपना। तो सबसे पहले हम जो है तेल में हमेशा की तरह मेथी दाना डालते हैं हर सब्ज़ी में, तो उसी तरह हिसाब से हमने मेथी दाना डाल दिया। और हमारे जब तेल हो गया, मेथी दाना इसमें पड़ गया थोड़ी, उसमें इसके बाद इसको जब ये भुन जाएगा, उसके बाद हम जो प्याज का और उसका लहसुन का हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था इसमें हमने डाल दिया, क्योंकि इससे जो है ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। तो इधर हमने इसमें हल्का हल्के गैस पे इसे चलाने लगे, थोड़ा सा ये भुन जाएगा हल्का सा, तो उसके बाद हम इसी में मसाला डाल देंगे, ताकि इससे सब्जी में थोड़ा जायका भी बढ़ जाता है। इधर हमने जो मसाले निकाले थे तो हमने साइड में कर रखे हैं। अभी देखो हमारा प्याज तैयार हो गया भुंज के थोड़ा सा। अब हम इसी में जो बाकी मसाले हैं वो सब डाल देंगे। अब हमने देखो इसी में गरम मसाला, हींग भी हम इस साथ में ही डाल देते हैं, अपने घर पे ही अपना मसाला, गरम मसाला हम तैयार करते हैं। तो ये देखो फिर हम इसको भूंज लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मसाले में पानी डाल देते हैं, इससे अच्छा फूल जाएगा, अच्छी तरीके से बन जाएगा मसाला, हमारा तैयार हो जाएगा। ये तरीके से मसाला भूंज लिया, और जब इसमें तेल छूटने लगेगा तो हम इसमें फिर जो हमने जो पकौड़ी तोड़ी थी, जिसे हम उड़द की दाल की बड़ी भी बोल सकते हैं, उड़द की दाल की मसरंग बोलते हैं, ज़्यादातर मसरंग बोला जाता है हमारी तरफ, तो इसे मसरंग बोलते हैं। ये सब्ज़ी खाने में थोड़ी अलग और हटके, हमने नमक भी इसमें डाल दिया। ये सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी और हटके होती है थोड़ी, कभी कभी नई चीज़ खाने का मन होता है तो अपने घर में इसी तरीके से बना लेते हैं। अब इसके बाद हमने जो पकौड़ी तोड़ी थी छोटी छोटी, हमने इसमें डाल दी, और उसके बाद हम इसको चला देते हैं। चलाने के बाद ज़्यादा नहीं, बस चलाने के बाद ज़्यादा नहीं, 1 या 1.5 सेकंड के लिए हम इसको थाली रख के और इसके लिए बंद कर देते हैं। ज़्यादा देर के लिए, केवल 1-1.5 मिनट के लिए हम इस पर थाली रख के ऐसे करके बंद कर देते हैं। और जब थोड़ी उसके बाद देखते हैं बस मसाला पकड़ लेती है बड़ी, उसके बाद जो है फिर हम इसमें जो है पानी लगा देते हैं। अपने पानी अपने हिसाब से डालिएगा, जैसे हम चावल से खाएंगे, चावल से अच्छी, बहुत ही अच्छी लगती है चावल से खाने में, रोटी चावल दोनों से ही खाई जाती है। तो चावलों के हिसाब से जैसे आप अपनी ग्रेवी रखने, चाहे कोई गाढ़ी खाता है कोई वैसे, वैसे गाढ़ी हो जाती है कि जब मुलायम टूटती हैं तो थोड़ा वो ग्रेवी पी भी लेती हैं, सोख लेती हैं ज़्यादातर ये पकौड़ी। और इस तरीके से हमारी सब्जी थोड़ी देर के बाद तैयार हो जाती है। और ये देखो कितनी बढ़िया तरीके की गाढ़ी गाढ़ी सब्जी तैयार हो गई है, चावल रोटी से अब खाई जाएगी, और ऊपर से उसमें धनिया डाल दिया, और इस तरीके से हमारी सब्जी ये तैयार हो गई। और राधे 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 बोलिएगा, हरे कृष्णा बोलिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से बनाते हैं। प्लीज़ एक बार ये सब्ज़ी ज़रूर बना के खाइएगा और टेस्टी लगती है। राधे राधे।